प्रगतिशील समाजवादी पार्टी अध्यक्ष शिवपाल यादव भतीजे अखिलेश यादव के साथ रार और तकरार के बीच अपनी राह चुन ली है। शुक्रवार को प्रसपा की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में शिवपाल यादव ने निकाय चुनाव अकेले ही लड़ने का ऐलान कर दिया। इसके साथ ही शिक्षा, चिकित्सा, बिजली व पेयजल की सुविधा को सस्ता करने और गरीबों के लिए निःशुल्क करने की मांग करते हुए कहा कि नौकरशाही को जवाबदेह पारदर्शी बनाने के लिए संथानम समिति की सिफारिशों को लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि अपने पहले के अनुभवों से सबक लेते हुए हम चुनाव में अकेले उतरेंगे, प्रसपा प्रगतिशील समाजवाद व समावेशी राष्ट्रवाद के सिद्धांत के साथ आगे बढ़ेगी। राम के नाम पर विभाजन व नफरत की राजनीति की इजाजत किसी को नहीं है। प्रसपा मांग करती है कि सरकार रोजगार देने की कार्ययोजना का रोडमैप जारी करे। इस दौरान प्रदेश महासचिव प्रेम प्रकाश वर्मा ने सामाजिक आर्थिक प्रस्ताव पढ़ा और कार्यकारिणी में इसे मंजूर किया गया। प्रदेश अध्यक्ष आदित्य यादव ने कहा कि प्रसपा जातीय व आर्थिक जनगणना की सिफारिश करती है, इससे पारदर्शी और प्रभावशाली आर्थिक नीतियां बन सकेंगी। इस देश की संस्कृति में एकता से सूत्र बड़े गहरे हैं। यहां डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने शायरे आजम शमसी मिनाई और कैप्टन अब्बास अली के साथ मिलकर रामायण मेला की अवधारणा तैयार की थी। बैठक का संचालन प्रदेश प्रमुख महासचिव अजय त्रिपाठी मुन्ना ने किया। राष्ट्रीय महासचिव अध्यक्ष सुंदरलाल लोधी, राम सिंह यादव, राम नरेश यादव, पूर्व मंत्री जयप्रकाश यादव, मुख्य प्रवक्ता दीपक मिश्रा, प्रदेश उपाध्यक्ष रक्षपाल सिंह, फरहत हसन खान आदि ने अपने विचार रखे। पार्टी की ओर से यहां जारी एक विज्ञप्ति के मुताबिक यादव ने कहा कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी समावेशी राष्ट्रवाद के सिद्धांत के साथ आगे बढ़ेगी। उन्होंने बिना किसी का नाम लिए कहा कि राम के नाम पर विभाजन व नफरत की राजनीति की इजाजत किसी को नहीं। शिक्षा, चिकित्सा, बिजली व पेयजल की सुविधा को सुलभ व सस्ता किया जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि अनिवार्यता गरीबों को ये सब चीजें निःशुल्क उपलब्ध कराकर लोक कल्याण राज्य का उदाहरण प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इस दौरान प्रदेश महासचिव प्रेम प्रकाश वर्मा द्वारा सामाजिक आर्थिक प्रस्ताव का वाचन किया गया और विस्तृत बहस के बाद इसे प्रदेश कार्यकारिणी और अन्य पदाधिकारियों ने पारित किया। सामाजिक आर्थिक प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान प्रदेश कार्यकारिणी द्वारा नौकरशाही को जवाबदेह पारदर्शी बनाने का जोर दिया गया। गौरतलब है कि शिवपाल यादव सपा प्रमुख अखिलेश यादव के चाचा और सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई हैं। चाचा भतीजा के बीच 2016 में सपा की सरकार रहते ही अनबन शुरू हुई तो फिर दोनों के रास्ते जुदा जुदा हो गए। शिवपाल ने वर्ष 2018 में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का गठन किया, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले चाचा भतीजा एक मंच पर आ गए। इसके बाद शिवपाल सपा के टिकट पर जसवंत नगर विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए। हालांकि चुनाव परिणाम आने के बाद ही एक बार फिर दोनों के बीच अनबन शुरू हो गई। राष्ट्रपति चुनाव में शिवपाल ने अखिलेश यादव के पसंद उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का विरोध किया तो सपा ने भी उन्हें आजाद कर दिया। शिवपाल अब अपनी पार्टी और इससे जुड़े संगठन मजबूत करने में सक्रिय हो गए हैं। वीडियो डेस्क, अमर उजाला .com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।